बचपन में इंसान को लगता है कि उसके बाबा दुनिया के इंतहाई ताकतवर नाकाबिले तस्खीर शख्स है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि हर चीज में सुरखरू होगा, वालिद की तरह हर एक को हरा देगा। फिर वो लातादाद दुश्मनों से जंग लड़ता है। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसके सामने बेबस हो जाता है, शुक्र है रब्बुल इज्जत का जिसने हमें ये दिन दिखाया। गुंजा इंतजार कर रही है, मैं उसके पास जाती हूं। ठीक है बेटी। मैं जानती हूं तुम्हारे पीठ पर पहाड़ जितना बोझ है उस्मान। हर लम्हा तुम जंग में रहते हो, लेकिन सिर्फ यही नहीं, तुम्हें किसी और सूरत हाल का भी सामना है। बताओ मुझे। है, बिल्कुल है। क्या कोई और नहीं, बाला है। बाला को क्या हुआ? बदल गई है, कुछ छुपा रही है। वो कहती है वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, और मुझे उसकी बजाय किसी और खातून को देखना चाहिए। क्या ये बाला ने कहा है? जी, बाला ने। मेरे दिल के महल की मालिक है जो, वो जिसकी खातिर अपनी जान भी दे दू, उसने कहा है। मगर क्यों बेटा, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे खुद इस जवाब की तलाश है। मैंने बहुत इसरार किया, पूछा उससे, लेकिन उसने वजह नहीं बताई। कुछ तो हुआ है जो वो बताना नहीं चाहते। आप पता कीजिए, और पता चलते ही मुझे बताइए। अगर वाकई कोई मुनासिब वजह हुई तो ठीक है, अगर वो कहे कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही फिर भी ठीक है।